हेलो दोस्तों, तो मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से हम लोग के बोर्ड के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो केवल और केवल दोस्तों किसके बारे में होगा, केवल और केवल आंकिक प्रश्न के बारे में होगा जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित होंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न, और ये आंकिक प्रश्न कहां से आएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रश्न को देखने से पहले एक चीज आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग ये समझ लें, अभी तक जितने भी हम लोग टॉपिक, जितने भी प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, उस फॉर्मूले का फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या थे। तो फॉर्मूले को यहां पर देख लिया जाता है तो फॉर्मूले को जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर तीन चार फॉर्मूले हम लोग कहते हैं। पहला हम लोग अगर बात करें तो था log 10 r, r जो बचा हुआ सांद्रता था, बराबर log 10 नहीं, आप ऐसा कर लीजिए यहां पर e कर लीजिए और फिर 10 का हम लोग बताते हैं, log e r नॉट माइनस kt। क्या हो दोस्तों, अगर कहीं पर भी हम log e x को अगर 10 में बदलते हैं तो उसको हम लोग 2.303 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो log e किस में बदल जाता है, log 10 में। वही चीज यहां करेंगे तो इसको लिखेंगे दोस्तों log 10 r बराबर log आधार 10 r नॉट माइनस kt। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला होता है दोस्तों जो हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में पढ़ते हैं, और इसी का हम लोग जो डेरिवेशन हुआ था वो भी हम लोग किए थे। अब यहां से अगर kt का मान देखें तो kt बराबर क्या लिख सकते हैं, log 10, इस kt को उधर लेंगे प्लस में हो गया, इधर क्या हो जाएगा r नॉट माइनस log 10 और ये क्या हो जाएगा r। log a माइनस b का फॉर्मूला होता है दोस्तों log a अपॉन b। यहां पर एक चीज थोड़ा सा दिक्कत, एक चीज छूट गया है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। यहां पर सभी के पास 2.303 से क्या रहेगा, गुणा रहेगा 2.303 से, केवल लॉग में रहेगा, के में नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे 2.303, इस केटी को उधर ले गए, ये तो इधर ही रह गया, लॉग 10 आर नॉट माइनस, उसको जब हम इस साइड लाएंगे तो उसको इस साइड लाने पर क्या हो जाएगा 2.303 और log 10 r। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां से kt बराबर हम लोग लिख लेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 303 और log यहां पर 10 r नॉट माइनस log 10 r। यहां से हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा kt बराबर 2.303 और log यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, तो r नॉट बटे r, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a बटे बी, यही हम लोग का फॉर्मूला बनता है, या इसी को हम लोग दोस्तों लिख देते हैं t बराबर 2.303 बटे k और log r नॉट बटे r। तो ये आप लोग का पहला फॉर्मूला यहां पर बनेगा दोस्तों, इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहां पर देखते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे फॉर्मूले को ये पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला जब हम लोग को देखना होता है तो आप लोग को ध्यान होगा कि अगर कोई चीज ए से बी बन रहा है, शुरू में इसका सांद्रता ए है और इसका जीरो है, बाद में मान लीजिए इसका a माइनस एक्स हो गया तो इसका कितना x हो जाएगा, जितना इसमें से घटा उतना इसके पास आ जाएगा। तो यहां से t का मान क्या हो जाएगा, t बराबर 2.303 बटे k और यहां से log
दस, ये जो है ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता होती है, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, आर नॉट को ए लिखेंगे, बटे आर जो होता है बची हुई सांद्रता है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स लिख देंगे। तो एक फॉर्मूला हम लोग का ये हो जाता है। दोनों फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फॉर्मूले को जहां पर मैं रेड कलर से टिक कर देता हूं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये भी आपका वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब चौथे फॉर्मूले के बारे में हम लोग देखते हैं कि चौथा फॉर्मूला क्या बोलता है। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथे फॉर्मूले के बारे में हम लोग देखते हैं। मैंने बताया था आपसे अर्ध आयु का फॉर्मूला टी एक बटे दो दशमलव 693 बटे के, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये आप लोग का चौथा फॉर्मूला हो गया। एक और था टी वन तथा टी टू ताप का, टी वन तथा टी टू ताप नहीं, टी वन तथा टी टू समय पर जो हम लोग का के का मान था, तो वहां पर के हम लोग कैसे फाइंड किए थे, 2.303 बटे टी टू माइनस टी वन। ध्यान आता होगा आप लोगों को दोस्तों, मैं इसको टी टू माइनस टी वन कराया था, और कुछ किसी एक लड़के ने बताया था कि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो जिस पॉइंट पर आप लोग को नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ के 2.303 बटे टी टू माइनस टी वन, और यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर से वही हो जाएगा लॉग 10, और यहाँ पर आर नॉट बटे आर प्रारंभिक सांद्रता बटे बची हुई सांद्रता। तो ये आप लोगों के दोस्तों जो भी अभी फॉर्मूले थे उन फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। अच्छा, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक चीज और बताना है मेरे को क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और चीजें, अगर कहीं पर लिखा है लॉग एम एन, तो इसका मान होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर कहीं लिखा है लॉग m बटे n, तो इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, और कहीं अगर लिखा है log m की पावर n, तो इसका होता है n log m। इतना याद रखे रहिएगा दोस्तों, ये बहुत आप लोगों के काम आने वाला है इतना याद रखे रहिएगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन में हमको बोल रहा है दोस्तों कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। मतलब बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। अब यही चीज आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, तो आपको बस एक ही क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपसे बोला है कि अर्ध आयु काल, तो यहां पर सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, अर्ध आयु काल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है दोस्तों, मैंने अभी बताया है टी एक बट्टे दो होता है 0.693 बटे में के, क्लियर है सबको। अब देखिएगा, बोला है 99.9%, मतलब अगर यहां से हम लोग टी बराबर देखें, तो टी बराबर फॉर्मूला होता है 2.303 बटे के, और यहां पर क्या होता है दोस्तों लॉग 10 और आर नॉट बटे आर। ये फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग की प्रारंभिक सांद्रता है, इसको ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक सांद्रता, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बची सांद्रता, बची सांद्रता, जितना प्रतिशत अभिक्रिया हो चुका है उसके बाद जो बची हुई सांद्रता रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, जो प्रारंभिक रहती है उसको आर नॉट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो समय है वो हमसे समय के ही बारे में पूछा है, तो समय को तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, यहां से समय हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर 2.303 बटे के, अब ध्यान दीजिएगा लॉग 10 आर नॉट, प्रारंभिक सांद्रता हमको दिया हुआ नहीं दोस्तों, प्रारंभिक, हम किसी भी चीज का प्रारंभिक अगर मानना होता है तो हम लोग कुछ एक स्टैंडर्ड, कुछ एक उसका वैल्यू मान लेते हैं, हम यहां पर कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं,
तो यहां पर हम लोगों ने किया मान लिया दोस्तों 100 मान लिया। 100 इसलिए माना क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो करने में आसानी होगा। आप लोग 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, आप लोग 99 भी मान सकते हैं, लेकिन 99 का 99.9% या कोई ऐसा संख्या मानेंगे तो उसका इतना प्रतिशत निकालने में आपको कठिनाई होगा। इससे अच्छा आप लोग क्या मान ले, 100 मान ले, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब R मतलब बची हुई सांद्रता, अगर कोई अभिक्रिया 99.9% हो गई है दोस्तों तो उसकी सांद्रता कितनी बचेगी, शुरू में कितनी थी 100, 100 में 99.9 पूरा हो चुका है, बचा कितना, तो दोस्तों यहां पर बचा 0.1। ठीक है, अब क्या होगा अगर 100 को 0.1 से भाग दें तो अगर यहां एक जीरो हम बढ़ा दें तो यह बिंदु कट जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर t बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2.303/k और यहां पर हो जाएगा log 10 और इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10^3। और अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि अगर कहीं पर log m के घात n रहे तो इसको लिखते हैं n log m। अब log 10 है और यहां 10 की घात कितना है, 3 है, तो m अगर इसको मान लो, इसको n मान ले तो m की घात n, n पहले आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2.303/k और इसको क्या लिख सकते हैं 3 और log 10 और यहां पर कितना 10। इतने में कोई दिक्कत, जो घात था जो n था उस n को पहले लिख लिए log के और 10 को वैसे ही लिख दिए। ठीक है, अब यहां तक हम लोग की चीजें हो चुकी हैं, आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके आगे जगह नहीं है, तो इसके आगे हम ये ऊपर की चीजें अभी मिटाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और इस पूरे को क्या मानेंगे, इसको भी इधर ही लिख लेते हैं, t बराबर कितना आ गया है 2.303/k और ये कितना आ गया है 3 log 10 और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण 2। इसको भी हम मिटा देते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, अगर समीकरण 1 और 2 को हम अगर भाग दे दें तो भाग देने से पहले एक पॉइंट यहां पर एक और बचा है, आप ध्यान दीजिएगा अगर कहीं log 10 है तो log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान होता है 1, तो अगर यहां 1 रख दें तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर 1 रख दें तो 1 रखने पर हमारे पास बच जाएगा, 1 रखने पर हमारे पास क्या बचेगा, इसको यहां पर लिख देते हैं, 1 रखने पर t बराबर 2.303/k और इसके साथ साथ यहां पर क्या बचेगा गुणे 3। ये हम लोग का समीकरण 2, इसको ना मानकर हम लोग किसको मान लेंगे दोस्तों, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अब समीकरण 1 और 2 को अगर भाग दे दें तो टी बटे में टी 1/2, टी बटे में टी 1/2, मतलब हम 2 को 1 से भाग दे रहे, अब यहां पर क्या लिख देंगे 2.303/k के और गुणे में क्या है 3 है। अब जो बटे का टी है दोस्तों, टी हाफ है, अगर इसका उल्टा कर दें तो ये गुणा में आ जाएगा, इसका उल्टा किए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के 0.693 हो जाएगा। अब क्या क्या कट रहा है, के से के कट रहा है, मतलब टी बटे टी 1/2 बराबर, ये टी आधा हो गया, अर्धा हो गया 2.3, अच्छा इसका गुणा ही अगर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 0 में किए 0, 3 × 3 में किए 9, 0.3 × 2 में किए 6/0.693। अब इसको भाग करने पर दोस्तों जितना आएगा उतना आपको यहां पर लिखना होगा, आप कैलकुलेटर तो यहां पर है नहीं,
तो यहां पर भाग करना होगा, और भाग करने में आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6909, क्योंकि 3 दशमलव से ऊपर का 3 दशमलव हट गया, बटे में 693। अब अगर आप लोग इसको कट करते हैं तो देख रहे हैं कि यहां 693 है और यहां 6909 है, मतलब 9.9 के लगभग आएगा, क्योंकि अगर पूरा 10 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 10 होता तो यहां 6, 9 और 3 0 होता, 30 होता, लेकिन यहां पर 9.9 के लगभग आएगा क्योंकि केवल 21 कम है। तो इसको हम लोग लगभग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 लिख सकते हैं। आप लोग भाग करके देखेंगे तो भाग करने पर इसका मान लगभग क्या आ जाएगा, 9.9, या लगभग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो वही चीज हो जाएगा कि टी बटे टी 1/2 बराबर 10। 9.9 कोई भी संख्या 5 से अगर ऊपर चली जाती है 0.5 से, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक संख्या बढ़ा के लिखते हैं। अब यहां से हम लोग अगर टी का मान देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बराबर 10t 1/2, और यही चीज हमसे बोला गया था कि जो हमारा समय होता है टी होता है, वो दिखाइए कि जो अर्ध आयु होता है उसका कितना होता है, 10 गुना। तो यहां टी बराबर 10 और टी 1/2, यही चीज हमको दर्शाना था दोस्तों। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है साथ ही साथ आप लोग एक चीज और याद कर लीजिएगा कि अगर आप लोगों को लॉग का मान रहे तो लॉग यहां पर हम लिख देते हैं 1 से लेके 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लॉग 1 का मान तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, लॉग 2 का मान होता है 0.3010, लॉग 3 का होता है 0.4771, 4 का होता है 0.6020, लॉग 5 का होता है 0.6989, और 6 का दोस्तों अगर यहां पर आप लोग से पूछा जाए तो 6 का यहां पर हो जाएगा 0.7781, और अगर आपसे 7 का पूछा जाए तो इसका 0.84 के नियर अबाउट लेते हैं, 8 का पूछा जाए तो 0.9030, 9 का अगर पूछा जाए तो 0.9542 लिया जाता है, और 10 का पूछा जाए तो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ये आप लोग लॉग के मान को याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 ही अंक तक याद कीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। आप लोग 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इतना आप लोगों को होना चाहिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लॉग का मान न दिया हो तो आप लोग बिना लॉग का मान रखे छोड़ सकते हैं वहीं पर आंसर को, वो आंसर भी क्या होगा, सही होगा। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक मतलब k का मान 5.1×10^-3 है, मिनट प्रति मिनट है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता मतलब किसके बारे में बताया दोस्तों, आर नॉट के बारे में बताया, 0.10 मोलर है, तो 3 घंटे बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी, मतलब किसके बारे में पूछा है, आर के बारे में हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, टी बराबर क्या होता है, 2.303/k, और यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग 10 और ऊपर में आर नॉट बटे आर। टी कितना दिया है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट, क्योंकि यहां पर मिनट में दिया ना, तो इसको घंटे को भी मिनट में कर लिए। अब 2.303 लिखिए तो 2.303, के का मान कितना दिया है, 5.1×10^-3,
के जो है वह एक स्थिरांक है, इसका मान दे चुका है। अब यहां पर लिख दीजिए लॉग 10, और प्रारंभिक सांद्रता हमको कितनी दी हुई है दोस्तों, 0.10, तो यहां पर आर नॉट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 0.1, और आर पता करना है तो आर को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। अब गुणा करना है तो गुणा करते टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, 180 गुणे 5.1, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो 10^-3 है अगर ऊपर ले जाएं तो +3 हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 2.303 गुणे 10^3, ठीक है। और अगर 10^3 का किए तो 3 पर 0.0 है, मतलब यहां से 0.0 हट जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बटे में 2.303 10^-3 को, अरे जैसे देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं अभी बताया हूं कि अगर ये लिखा हुआ है 2.303 बटे 5.1 10^-3, -3 को ऊपर ले गए तो 2.303 गुणे 10^+3 हो जाएगा, और बटे में 5.1, मतलब 10^3 मतलब 1000 का गुणा है तो 3 पर 0.0 लगा है, 0.0 हट जाएगा, 303 हो जाएगा। तो 303 बटे 5.1, 5.1 का इधर गुणा कर दिए और ये नीचे में आ गया तिरक गुणा से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे लॉग, इधर क्या बचा 10.1/r। अब इसके आगे इधर करते हैं, यहां देखिए 10 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 18 × 10 × 5.1/23.03 = log 10, और यहां पर 0.1/r। 1 10 से 1.0 यहां पर भी हट जाएगा, मतलब 18 × 51/23.03 = log 10 और 0.1/r। ध्यान दीजिएगा 18 का 1 में गुणा करेंगे तो 18 8 लिख दिए, 1 बचा 18 5 90 और 1 91/23.03 = log 10 0.1/r। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको तो भाग देंगे, तो भाग देने पर कितना आएगा 918/23.03। कैलकुलेटर का यूज कर लिया जाता है, कैलकुलेटर में देख लिया जाता है कितना इसका वैल्यू आएगा, कैलकुलेटर यहां पर तो कैलकुलेटर दिख नहीं रहा है, कैलकुलेटर ठीक है दोस्तों, इसका कैलकुलेटर जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर अगर यूज किया जाता है तो कैलकुलेटर 918 भागे 23.03 ये दोस्तों आ गया है 0.398। तो इसको हम लोग इधर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं 0.398, तो 0.398 और फिर आगे में भी दिया है तो उससे हमको मतलब नहीं है, बराबर log 0.1/r। अब देखिए दोस्तों क्या किया है, यहां पर 0.398 बराबर log 0.1/r, या आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग 0.1 ऐसे लिख सकते हैं r बराबर 0.398। अब यहां से आपको इसके वैल्यू को क्या करना होगा, एंटी लॉग लेना होगा, आप लोग लिख सकते हैं लॉग r या केवल r बराबर एंटी लॉग 0.398, और ये किसके बटे में रहेगा, 1 के, मतलब अगर आप लोगों को 1 का मान न दिया हो, लॉग 0.1 या इसका कुछ मान न दिया हो, तो आप लोग आंसर क्या कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं, या एंटी लॉग के भी साथ यहां पर आप लोग छोड़ सकते हैं।
अगर एंटी लॉग दिया होगा आप लोग के क्वेश्चन में तब लगाएंगे, आप नहीं दिया होगा तो आप यहां पर भी आंसर छोड़ेंगे तो आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लॉग और एंटी लॉग का मान अगर देगा तो सही है, नहीं देगा तो आप क्या कर सकते हैं इसी स्टेप पर आंसर को छोड़ सकते हैं, आपका आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से लॉग आर के क्या हो जाएगा, एंटी लॉग और दशमलव एक बटे तीन नौ आठ, ये आप लोग का किसका मान होगा दोस्तों, बची हुई सांद्रता का। नहीं आंसर दिया है तो आप लोग यहीं पर अगर आप लोग को इसका मान नहीं दिया है तो आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं, मान दिया है तो आगे बढ़ाएंगे वरना आप यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा बोला है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो 60% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बोला है हम मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है और वो ए और बी के बीच हो रही है। पहला हमको केस बताया है कि उस अभिक्रिया का 20% कितने देर में होता है, तो 5 मिनट में होता है। बहुत बढ़िया। बोला है 60% होने में कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोग को वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, टी बराबर 2.303 बटे के और लॉग, यहां पर क्या लिख देंगे आप लोग, आर नॉट बटे आर। अब टी हमको पहले में तो दे चुका है तो पहले से हम लोग के का मान निकाल लेते हैं, के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे में जो टी आएगा उस टी का मान कितना दिया है, 5 मिनट। और यहां पर लिख लेंगे लॉग, ये पहला वाला कर रहे हैं हम लोग, यही पहला वाला ध्यान दीजिएगा जिसमें हमको दिया हुआ है 20%। अब प्रारंभिक सांद्रता हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि कितनी है, तो हम लोग क्वेश्चन में 100 मान लेते हैं, अपने हिसाब से 100 मान लेते हैं ताकि हम लोग का कैलकुलेशन आसानी हो सके। अगर ध्यान दीजिए 20% पूर्ण हो चुका है, मतलब बोला है कि 5 मिनट में 20% पूरी हो जाती है, पूरी होती है, तो कितना बचा दोस्तों, बचे हुए को नीचे लिखते हैं, कितना बचा 80। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया और कैंसिल होने पर हमारा के का मान कितना आया, 2.303 बटे में 5 और यहां पर क्या लिख देंगे लॉग 10। अब यहां क्या हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। और ध्यान होगा तो हम लोगों ने दोस्तों इस फॉर्मूले को बनाया कहां से था, तो इस फॉर्मूले को बनाया था लॉग ए बटे बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। बहुत सही दोस्तों, यही हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हमको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो आपको लॉग 10 का मान पता है, लॉग 8 का मान पता है, अभी हमने लिखाया था कि लॉग 10 और 8 का मान कितना होता है, तो इसको मैं इधर कर लेता हूं दोस्तों, आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए, ऊपर की चीजों को, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा दोस्तों, यहां लॉग 10 तो हम लोग लिख सकते हैं के बराबर 2.303 बटे 5 और लॉग 10 का मान कितना होता है 1 माइनस लॉग 8। लॉग 8 का मान कितना होता है, तो आप लोगों को बताया गया था 0.9030, माइनस कर दीजिए तो 1 और ये दशमलव से में से हुआ है तो 0.00 और 0 चार बार है ना, फिर 0.9030 माइनस करने पर कितना आएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 0, मतलब 0.097। तो यहां पर के का मान हम लोग लिख सकते हैं 2.303 बटे 5 और गुणे 0.097। 0.097 का अगर हम लोग गुणा करें तो गुणा ही बहुत इसमें करना है आप लोगों को, तो यहां से के का मान कितना हो जाएगा, अगर गुणा करना चाहें तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से ही अपन लोग करते हैं, तो क्या दिया है 2.303 गुणे 0.097,
2.223 आ रहा है दोस्तों, मतलब 2.223 बटे, अगर इसको देखा जाए तो इसको अगर 2.223 भागे 5 अगर किया जाए तो 0.446 आ रहा है दोस्तों। भाग करने पर आप लोग देख सकते हैं 0.446 आ रहा है, तो k का मान कितना हो जाएगा 0.446, मतलब आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं k बराबर 44.6 गुणे 10^-3। कोई दिक्कत? 3 हम इधर लाए तो -3 कर दिए, 4 लाए रहते हैं तो -4 करते हैं, तो 44.6 गुणे 10^-3 आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 446 गुणे 10^-4, वही चीज रहेगा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, यहां से हमको k का मान मिल गया दोस्तों, और k का मान होगा किसमें, मिनट इनवर्स में होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक चीज हमको k का मान पता चल चुका है, k के मान को हम कहीं नोट कर लेते हैं, बाकी आगे का क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, तो k का मान दोस्तों हम लोगों का आ चुका है 44.6 गुणे 10^-3। अब पूछा है 60% होने में कितना समय लगेगा, तो t का मान पता करना है। अब k का मान हम लोगों को मिल चुका है दोस्तों 303 बटे k का मान 44.6 गुणे 10^-3, और यहां पर लिख दीजिए log 10 और 100। दूसरे केस में हम लोग ये दूसरा वाला केस कर रहे हैं, समय पता कर रहे हैं। 60% अगर पूर्ण हो गया तो कितना परसेंट बचेगा दोस्तों, 40% बचेगा, 0 से 0 कटा, r में वही रखना है, नीचे में वही रखना है जो बचा, और ऊपर में पूरा लिखना है, मतलब t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2.303 बटे 44.6, और -3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और यहां से अगर हम लोग देखिए लिखना चाहें तो 10/4 मतलब a/b, तो क्या log 10 माइनस log 4 लिख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, उसी चीज को करना है। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 से दशमलव हट जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2.303 बटे 44.6। log 10 का मान होता है दोस्तों 1 माइनस log 4 का, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो अभी मैंने log 4 का बताया था, लॉग 2 में 10.301047741, फिर मैंने बताया था 6020। तो आप लोग यहां पर 0.6020 लिख सकते हैं, अगर इसको माइनस करेंगे तो 10000 और 6020, तो यहां 0 आ जाएगा, यहां 8 आ जाएगा, यहां कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, 0.3980। तो इसको भी हम लोग गुणा कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो अगर इसका गुणा करें तो 1 माइनस 0.6020 0.398 में दोस्तों गुणा करते हैं 2303 का, तो आप लोग देख रहे हैं 916.594 आ रहा है, मतलब t बराबर 916.59। और इसको अगर हम लोग क्या करें, केवल एक ही अंक लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और इसको अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, पूरे आंसर को 916.5 को भाग कर दें अगर 44.6 से, तो हम लोग का कितना आ रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 20.5 आ रहा है, मतलब जो समय होगा दोस्तों वो कितना लग जाएगा, इसको 44.6 से जो हम लोग भाग किए हैं तो कितना आ गया 20.5। या अगर आप लोग के बुक में क्या करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर देना रहेगा, या मान लीजिए आप लोगों को ऑप्शन में दिया, तो वहां पर 20.5 ना देके क्या कर देगा 20 दे देगा। तो याद रखिएगा कि समय जब भी हमको देता है तो 0.5, 0.4 जो ये दिया जाता है उससे कम कर देता है, और हम लोग का उसके पहले वाला संख्या ले लेता है, तो हम लोग का टी कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा दोस्तों, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा,
इसी पर आधारित हम लोग के और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहां दीजिएगा। 4 मिनट में 30% होता है तो 70% कंप्लीट होने में बताइए कितना लगेगा। आप लोगों को इसी तरीके के सवाल दिए जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है। तो बोला एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 5.48×10⁻⁴ है। ठीक है, यहां पर k का मान हमको क्या दे चुका है, 5.48×10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया का 2/3 आयु काल की गणना कीजिए, मतलब T 2/3 का हमको क्या बताना है, मान बताना है। तो T 2/3 का मान बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको तो हम लोग पहले हटा लेते हैं, यहां पर छोटा सा लिख लेते हैं, k बराबर 5.48×10⁻⁴ और T 2/3 हम लोग को पता करना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे। t बराबर क्या होता है, 2.303 k। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताया गया था, log R0/R, और यहां से ही R0/R को हम लोग क्या लिखे थे, लिखे थे a/a-x। x क्या था, जो सांद्रता हमारी कम हो रही थी। जैसे मान लीजिए a से अगर कुछ b बन रहा है, शुरू में a था तो ये कितना था, 0। जब a में से x घटा तो ये कितना, इधर x बन गया। अगर a में से ये x/2 घटा तो ये कितना बन जाता था दोस्तों, x/2। मतलब समय अगर आधा हो गया, आधा समय हमसे पूछा, 1/2 पूछा है, मतलब आधी क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो चुकी है। समय कितना बोले, 2/3, मतलब यहां पर 2/3 अभिक्रिया क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है दोस्तों। तो a में से हम लोग का 2/3 भाग क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2a/3 हम लोग का उत्पाद क्या हो चुका है दोस्तों, बन चुका है। यही चीज बताना है। अगर हम लोग x देखें, ये t समय में देखें, t1 समय में, तो अगर यहां से x निकला तो x बन चुका, ठीक है। अब कोई हम लोग का सांद्रता a था, इसका अगर 2/3 भाग यहां बन चुका है तो इसमें से 2/3 क्या हुआ होगा, खत्म हुआ होगा दोस्तों। तो a में से 2/3 खत्म हो गया तो इधर 2/3 क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब उसी चीज को यहां पर करना है। t बराबर 2.303 k, और यहां पर लिख देंगे log r नॉट, मतलब प्रारंभिक सांद्रता हम लोग मान लेते हैं a, अंतिम क्या हो जाएगा a माइनस, यहां से कितना खत्म हो चुका है, 2/3 का बात कर रहा है तो 2/3 में कितना खत्म हो जाएगा, 2a/3। अब क्या करना है दोस्तों, वही करना है, 2 t 2/3 और 2.303, अब k का मान रख दीजिए कितना दिया है, 5.48×10⁻⁴ log। अब यहां क्या करेंगे, a बटे, अगर एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 3a-2a/3। अब अगर यहां पर देखें तो यहां से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं दोस्तों, यहां से अब हम लोग का क्या हो जाएगा, T 2/3 = 2.303×5.48×10⁻⁴ 3a में से 2a गया तो कितना हो गया, a बच गया, तो इतने में तो नहीं हो पाएगा। मैं क्या करता हूं, ये ऊपर वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। r नॉट प्रारंभिक सांद्रता a लिख दिए, जैसे a से क्या बना, a से b बना, शुरू में a था तो इधर 0 था, जब a में से x घटा तो इधर x बना, वही 2/3, मतलब 2/3 अगर इधर से घटा तो इधर 2/3 बन गया दोस्तों। तो x का मान 2/3 a लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं नीचे वाले को ऊपर लिखता हूं दोस्तों, तो T 2/3 = 2.303×5.48×10⁻⁴ log घात बेस 10 है, आधार 10 है, 3 a में से 2 a गया तो a बच गया, तो a/a/3,
ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको इरेज करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टी 2/3 बराबर 2.303/5.48, और -4 को अगर ऊपर ले गए तो कितना हो जाएगा, +4, और यहां पर 3 जो था वो गुणे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 10^10, और ये log 3 का वैल्यू आप लोगों को बताया जा चुका है, अभी बताया गया है। log 2 से आप लोग हमेशा याद कीजिएगा, 0.3010 और 4771 किसका हो जाएगा, लॉग 3 का हो जाएगा। अब दोस्तों मान आप लोग रख के, सभी का वैल्यू रख के आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आ रहा है। अब इसके बाद केवल आप लोग को क्या करना है, मान रखना है, मान रखेंगे तो आप लोग का आंसर यहां से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले चुके हैं ठीक। क्वेश्चन 5वां, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। पहली बात तो अगर अभिक्रिया पूर्ण होने में समय पूछ दे, तो अभिक्रिया पूर्ण होने में दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है, उसको अनंत समय लग जाता है पूर्ण होने में। आप लोगों को बताया भी जा चुका है कि अगर कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसको पूर्ण होने में कितना समय लग जाएगा, अनंत समय लग जाएगा दोस्तों। अब यहां पर क्या करना है, वही चीज करना है, 90% होने में कितना लगा है, 10 मिनट लगा है, तो वही चीज करना है दोस्तों, टी बराबर 2.303/k, और क्या करना है, लॉग 10 लिखिएगा R0/R। अब इसको अगर हम लोग आगे लिखें तो टी मतलब 10 मिनट लगा है, तो यहां पर लिख देंगे 10 बराबर 2.303/k, और यहां पर क्या लिख देंगे, लॉग 10। शुरू में कितना था, मान लेते हैं 100 था, 90% पूरा हो गया तो कितना बचा, 10, इसको अगर काटें तो यहां पर 10 हो गया, मतलब यहां से अगर k का मान देखें तो k बराबर 2.303/10 और लॉग 10 और 10, लॉग 10 का मान आप लोगों को एक बताए हैं, तो यहां से दोस्तों k का मान कितना हो जाएगा, 2.303/10, मतलब हम लोग का कितना हो जाएगा, 0.2303, या इसी को लिख सकते हैं 23.03×10^-2। ये हम लोग का मिनट में ये ना, ठीक है, ये मिनट इनवर्स में हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर होगा दोस्तों, के का होगा। अब हम लोगों को अगर पता करना है अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा, तो पूर्ण होने में अभिक्रिया का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको बताते हैं, हो गया। देखिए पूर्ण होने में अगर हमसे पूछेगा तो पूर्ण होने का मतलब क्या हो जाएगा, टी का मान हमको पता करना है 2.303 और बटे में, इसको आप लोग 0.2303 लिख सकते हैं, और लॉग 100, के का मान तो वहां पर हम लोग निकाले ना 0.2303, ये अभी जो पहले हम लोग निकाले। अब क्या होगा, लॉग आर नॉट, मतलब शुरू में इसकी सांद्रता कितना 100, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा क्या है, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए, मतलब पूरा सांद्रता हमारा बचा कितना 0 बचा, मतलब इस पूरे का मान जो होगा वो अनडिफाइन आएगा, हमारा कोई मान इसका फिक्स नहीं होगा दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जो टी बराबर 2.0, इसके आगे का जो भी स्टेप है वो आप लोग खुद से कीजिएगा, ये आप लोगों का आगे क्या करना है आप लोगों को पता ही है, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है कि किस किस प्रकार किए गए हैं, आप लोगों को ये उसी प्रकार से आगे करना है। बाकी यहां से आप लोगों को दिख रहा है कि जो टी का मान है वो कितना हो जाएगा, टी का मान कितना दिख रहा है, कुछ डिफाइंड नहीं है, बहुत टाइम लग सकता है, इनफाइनाइट टाइम यहां पर लग रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% 120 मिनट में होता है, तो 90% होने में समय बताइए। देखिए दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक हिंट, मतलब एक कुछ टॉपिक समझाना चाहता हूं, और वो टॉपिक क्या है तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग तुरंत तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर मैं बोलूं कि कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो शुरू में 100 रहेगी, अगर वो 100 से आधी हो चुकी है तो कितनी बच गई, 50,
मतलब कितना यहां पर समय लगा, तो इसी को बोलते हैं अर्धकाल। अब मान लीजिए इस 50 का भी अगर आधा हो जाए तो कितना बचेगा, 25%। ठीक है, 50% 25% और यहां पर 100% हम लोग बोल रहे हैं, शुरू में बचा हुआ था। अब यहां पर 50 से 25 मतलब फिर आधा हुआ है तो कितना हो गया, फिर 1/2 समय लगा। अब 25 से अगर हम लोग फिर आधा करें, आधी अभिक्रिया फिर हुई तो कितना हो गया, 12.5%। अब यहां पर फिर कितना समय लगेगा, आधा अभिक्रिया होने में तो आधा ही समय लगना लगेगा ना, अर्धकाल। तो 100 से आधा हुआ तो अर्धकाल 1/2 लगा, टी 1/2 लगा। 50 से फिर आधा अभिक्रिया हुआ 25, तो फिर टी 1/2 लगा। 25 से फिर 12.5 हुआ तो कितना लगा, टी 1/2। और 12.5 से अगर 6.25 हुआ तो फिर कितना लगा दोस्तों, टी 1/2 लगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को समझेंगे कि अगर 100 से 50 जा रहा है तो 100 से 50 मतलब 50% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, टी 1/2 लग रहा है। और अगर 100 से 25 चला गया तो पूरा कितना हो गया, 100 से 25 हमारे पास बचा है, मतलब अभिक्रिया कितनी पूरी हो चुकी है, 75%। तो 75% होने में कितना बार टी बाई टू लगा है, 1 और 2 मतलब 2 T/2 लगा है। ठीक है, अब अगर 100 से हम पूछें कि 12.5 मतलब कितनी अभिक्रिया हो चुकी है, इतना तो हमारे पास बचा हुआ है, हो कितनी चुकी है, तो अगर हम लोग देखें तो 87.5% अभिक्रिया हो चुकी है। और कितना समय लगा है, तो समय लगा है 3 T/2। और फिर अगर हम लोग बात करें कि 100 से अगर कोई आ गया है 6.25 पर तो अभिक्रिया कितना हो चुका है दोस्तों, तो आप लोग अगर इसका अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 93.75। इसमें कितनी बार टी बाई टू आया है, तो 1, 2, 3, 4 मतलब 100 से यहां आने में 4 T/2 क्या हुआ है, यहां पर लगा है। इसको दोस्तों याद किए रहिएगा, ठीक है, ये याद किए रहिएगा कि ये कितना होगा। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब चीजें याद कैसे, सॉरी, याद करने के क्या फायदे होंगे। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर 90 का आ गया तो 90 का मतलब होता है 50% होने में अगर 120 मिनट लगा है, तो इस 90% अभिक्रिया होने में टी इतना परसेंट, टी 50%, टी 75%, टी 87.5। और कहीं टी 90% पूछे, 90% तो ये कितना होता है आप लोग 10/3, ये टी 1/2 होता है। ठीक है, अगर कहीं टी 90% पूछ दे तो कितना होगा, 10/3 टी 1/2। और दोस्तों अगर कहीं टी 99% पूछ दे या 99.9%, अगर कहीं टी 99.9% पूछ दे, 99.9%, तो ये होता है 10 T/2। अभी आप लोगों ने देखा है कि 99.9% जो अभिक्रिया होती है वो अर्ध अभिक्रिया की आधी होती है, और सॉरी अर्ध अभिक्रिया की 10 गुना होती है, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था पहले ही क्वेश्चन में। अब आप लोग डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे 90% पूछा है, तो अब इसको मैं दोस्तों अभी मिटाता हूं, इरेज करता हूं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 90 जैसे यहां 100 से 50 आया, 50 से 25 आया, 25 से 12.5 और 12.5 से 6.5, सभी में आधा आधा समय लगा है, आधी अभिक्रिया होने में आधा ही समय लगेगा, ये फिक्स है। तो आधा समय कहां कहां, 100 से 50 हुआ तो 50%, 100 से 25 हो गया तो कितना परसेंट, 75% हो चुका है। 100 से अगर 12.5 हुआ तो 87.5 अभिक्रिया हो चुकी है, और 100 से 6.25 हुआ तो 93.75 अभिक्रिया हो चुकी है। ऐसे ही एक वैल्यू निकाला गया कि टी 90% में जो समय लगता है वो कितना, 10/3 लगता है, किसका, अर्धायु का। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग ये याद रखे रहिएगा, आप लोग की अभिक्रिया तुरंत यहां पर पता चलेगी कैसे हो रही है। अब इसको हम लोग यहां से इरेज करते हैं, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग नॉर्मली यहां से टी 50% 50% मतलब 1/2 होने में कितना समय लग रहा है, 1/2 होने में कितना समय लग रहा है, 120 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछा है 90%, तो यहां से बता दीजिए टी 90% कितना लगेगा, 10/3 और टी 1/2। अब गुणा कर दीजिए तो टी 90% का मान कितना आ जाएगा, 10/3 और टी 1/2 आधी अभिक्रिया का कितना समय लगा है, 120,
तो 120 कर दीजिए, इसको इससे काटें तो 40 आ गया, 40 का 10 में गुणा किए तो टी 90% होने में कितना लगेगा दोस्तों, 400 मिनट लगेगा। और ये आप लोग आके क्या आ गया दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आ गया, मतलब 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 400 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग बाकी इसको इस फॉर्मूले पर भी रखकर, ये आप लोगों के लिए है, इस फॉर्मूले पर भी रखकर आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। लॉग 10 और R0/R आप लोगों को सभी के मान बताए जा चुके हैं, 1 से 10 तक लॉग के मान कितने होते हैं, आर नॉट प्रारंभिक और आर क्या हो जाएगा, बची हुई सांद्रता। प्रारंभिक यहां पर अगर 90% पूछे तो प्रारंभिक 100, 90% हो जाएगा तो बचेगा कितना 10, मतलब 100/10 यहां पर कट के 10 आ जाएगा, मतलब इस टाइम में आप लोग का लॉग का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से एक बार कीजिएगा, बाकी आप लोग का डायरेक्ट आंसर यहां से कितना आ रहा है, 90। अगर नहीं होगा तो मैं कल के क्लास में इसको कराऊंगा, बट आप लोग एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे देता है। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन बोला है, सातवां भी वही है, अगर 75% होने में लगा समय 30 मिनट है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमसे बोल रहा है टी 75% और अभी हमने बताया कि टी 75% का वैल्यू कितना होता है, टी एक बटे दो होता है, पहले ही मैंने बताया है। अब 75% होने में कितना समय लग रहा है, 30 मिनट, मतलब यहां पर 30 मिनट लिख लीजिए 75% का मान, बराबर 2 और टी 1/2, तो यहां से टी 1/2 कितना आ जाएगा, 30/2, और 30/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 मिनट। मतलब एक चीज पता चल गया दोस्तों, टी 1/2 का मान कितना आ गया, 15 मिनट। पूछ रहा है 93.75, मतलब 93.75 होने में कितना समय लगेगा, तो हमको पता है 93.75 को भी पीछे हम लोगों ने क्या लिखा था, 4t 1/2, तो 4 तो वैसे ही लिखेंगे, टी 1/2 का मान कितना मिल गया, 5। टी 1/2 का मान कितना मिल गया, 15, तो 4 × 15 कितना हो गया दोस्तों, 60 मिनट। मतलब हमारा जो टी 93.75 होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 मिनट आ जाएगा। तुरंत तुरंत आपके इससे सवाल होते जाएंगे। एक सवाल आप लोगों को मैं दे रहा हूं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अगर कोई 50% अभिक्रिया 10 मिनट में होती है तो बताइए 75% कितने मिनट में होगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों, कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों का जितना भी ऐसे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग तुरंत कर सकते हैं, ये बहुत आसान सवाल होते हैं दोस्तों। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग टी वाले फॉर्मूले पर रखकर खुद से कीजिएगा एक बार ट्राई, नहीं होगा तो कल कराऊंगा, बाकी ये तो आप लोगों के पास है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आठवां में बोला है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 जो है वो क्या कर रही है, अपघटन हो रहा है 2NO2 में और हाफ O2 में 318 केल्विन पर। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 है, × 10^-2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के बाद 10^-2 मोल लीटर रह गई 318 केल्विन पर। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिएगा दोस्तों, दो चीज हमको बताया है इसका, अगर हम लोग देखें तो 60 मिनट दिया हुआ है और सांद्रता 2 दी हुई है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे कि जो k होता है, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है 2.303/t, और यहां पर क्या लिख देंगे, log 10, शुरू में कितना सांद्रता दिया हुआ है 1.24 × 10^-2, बाद में कितनी सांद्रता बची हुई दी है तो 0.20 × 10^-2, इससे ये कट गया, 0.00 कट गया, मतलब k बराबर क्या हो गया 2.303/60, और यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, log 10। अगर हम लोग 124 को क्या करें, ये तो समझ में आ रहा है ना, 1.24 × 10^-2
दशमलव से दशमलव को हम लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो 124 बटे 20 बचा है। तो 124 बटे 20 को अगर हम लोग कट करें तो 20 छक्का 120 और 4 बचा दशमलव, 6.2 हम लोग का क्या हो गया यहाँ पर मान आ गया। तो log 10 6.2, अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, k बराबर इतना मान आ चुका है। वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, तो वेग स्थिरांक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बस अब क्या करना है, अब तो आप लोग को मिल चुका है k बराबर 2.303 बटे 60 और log 6.2। log 6 का मान आप लोगों को बताया गया था 6.2, आप लोग क्या करेंगे, log 6.2 का मान देखेंगे कितना होता है और 6.2 का मान यहां पर लिखकर आप लोग उसका इसमें गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वेग स्थिरांक का मान होगा। और यहां पर मैं लिख देता हूं log 6.2, इसका आप लोग गुणा करेंगे और गुणा करने पर जितना आंसर आएगा उस आंसर को आप लोग बताएंगे और आंसर किस में आएगा, मिनट इनवर्स में आएगा, वो आपका किसका मान होगा, वेग स्थिरांक k का मान होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों का जो इससे संबंधित क्वेश्चन थे, जो आप लोग के अर्धायु वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बता दिए गए हैं। बाकी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों उसमें द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं और एन कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में समझा जाएगा। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए इस शुभम क्लासेस के चैनल पर। और हाँ साथ ही साथ आप लोग एक और चीज ध्यान दीजिएगा, शुभम क्लासेस लाया है आप लोगों के लिए टॉप 500 बच्चों के लिए सौर्य बैच और टॉप 100 बैच केवल और केवल 999 रुपए में। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग अगर शुभम क्लासेस के इस हिंदी मीडियम के चैनल जो शुभम क्लासेस है, अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को 999 में मिलेगा स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, 3 साल के पेपर और मॉडल पेपर हल सहित यहां पर आप लोग को दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये चीजें पढ़ने से आप लोगों के बोर्ड पेपर में नंबर लाने के चांसेस इतने हो जाते हैं, आप लोग खुद यहां पर टॉपर्स की लिस्ट को देखे होंगे। तो दोस्तों इस बार जो टॉपर होते हैं उस टॉपर में दोस्तों आपका नाम आए और आप अपने परिवार वालों के सामने बोल सकें कि हाँ मैंने शुभम क्लासेस से पढ़ाई करके ये मार्क्स हासिल किए। आपने बहुत सारे बच्चों के देखे होंगे मार्क्स, तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए और साथ ही साथ इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग इस बैच का फायदा उठा पाए। सौर्य बैच और टॉप 100 बैच में जितने भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं आप उनको पा सके। अगर आप लोग दोस्तों कूपन कोड यूज करते हैं गोपाल सर 100, तो दोस्तों आप लोगों को क्या मिलेगा, इसके साथ साथ 100 रुपए की और छूट मिल जाएगी। मतलब ये 999 का जो है वो दोस्तों आप लोगों को कितने का मिल जाएगा, 899 रुपए का मिलेगा। और 899 के मिलने के ही साथ साथ आप लोगों को यह बहुत बड़ा फायदा होगा कि आप लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं दोस्तों, जो कि आपके कोचिंग क्लासेस से बहुत कम होती हैं। ये पूरे साल भर के लिए दोस्तों आप लोग को मिल रही है, ये बहुत ही कम पैसे में दिया जा रहा है, जो आप लोग के भविष्य के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद।